ग्राफ से वन डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले ग्राफ कहते किसको? ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ड्राइंग होती है जो हमको ये बताती है कि दो क्वांटिटीज जो एक साथ बदल रही है उनका आपस में क्या रिलेशन है। ग्राफ इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेटिव व्हिच रिप्रेजेंट्स टू क्वांटिटीज व्हिच आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे एक कार चल रही है तो दो चीजें एक साथ उसकी चेंज हो रही है, एक यहां से उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है और दूसरा खड़ी में हमारा टाइम भी चेंज होते जा रहा है। जितना टाइम चेंज होगा उतनी उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतनी उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो दो चीजें पोजीशन और टाइम दोनों एक साथ चेंज हो रही है, ऐसे में कितने टाइम पर कितनी पोजीशन पर वो है, किस टाइम में किस पोजीशन पर है, इसको देखने के लिए हम लोग एक विजुअल यानी देखने वाला एक ड्राइंग बनाते हैं, दैट ड्राइंग इज ए ग्राफ। ओके, सो ग्राफ क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू क्वांटिटीज वेरिंग और डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। अब ये दिखता कैसा है, क्या होता है, ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। हम दो लाइंस बनाते हैं जो हमारी सबसे कॉमन डायरेक्शंस होती हैं। सबसे कॉमन डायरेक्शन हमारी होती है एक डायरेक्शन सीधा ऊपर की तरफ और एक राइट लेफ्ट की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये वाली वर्टिकल डायरेक्शन। ये दो लाइंस हम खींचते हैं और ये जो क्रॉस पॉइंट है इसको हम अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं कि हम अपने सब क्वांटिटीज यहां से नापना शुरू करेंगे। इसको 0 माने, 10 माने, 20 माने, जो भी माने, यहां से नापना शुरू करेंगे। ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है, तो इस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ओरिजिन। उसके बाद दो क्वांटिटीज एक साथ बढ़ती है तो हम क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन एक क्वांटिटी के लिए मान लेते हैं और दूसरी डायरेक्शन दूसरी क्वांटिटी के लिए मान लेते हैं। ये वो दो क्वांटिटी है जो इकट्ठी चेंज हो रही है। जैसे एक कार चल रही है, हम जानना चाहते हैं कितने टाइम पे कितने डिस्टेंस पर रहेगी, तो दो क्वांटिटी कौन सी है, डिस्टेंस और टाइम। हम ये जानना चाहते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि कितने टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, एक घंटे बाद स्पीड क्या है, दो घंटे बाद स्पीड क्या है, तीन घंटे बाद स्पीड क्या है, तो हम कौन सी दो रिलेशन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी एंड टाइम। हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी दूर जाने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जब यहाँ से 5 मीटर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर जाएगी तो उसकी स्पीड क्या है। अब कौन सी दो क्वांटिटीज की बात हो रही है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कोई जरूरी नहीं है कि टाइम ही हो, कोई जरूरी नहीं है कुछ भी हो, जो हमको जरूरत है, जो हमारी इच्छा है। एक स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं, फोर्स लग रहा है, जैसे जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है वैसे वैसे फोर्स ज्यादा होते जा रहा है। तो दो क्वांटिटी जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, इसमें कौन सी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से कोई भी दो क्वांटिटी फिजिक्स में हो सकती है जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो एक क्वांटिटी को हम इस एक्सिस पर मानते हैं, दूसरी क्वांटिटी को इस एक्सिस पर मानते हैं। नॉर्मली अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है दोनों में और एक इंडिपेंडेंट होती है। जैसे घड़ी का टाइम तो आगे बढ़ते ही जाएगा, तो टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट। लेकिन कार अगर चलेगी तो उसकी पोजीशन ज्यादा होगी, रुक जाएगी तो पोजीशन कम होगी, तो पोजीशन किस पर डिपेंड करती है, टाइम। एक अगर वो चलती जा रही है, अगर 5 सेकंड टाइम है तो 10 मीटर तक चल चुकी है और टाइम को अगर हम 10 कर देंगे तो डिस्टेंस 20 हो जाएगा। तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दो क्वांटिटीज होती है, पर क्वांटिटीज जो हमको दो स्टडी करनी है वो है एक टाइम और एक पोजीशन। इस एग्जांपल में तो जो दो क्वांटिटीज हमने स्टडी करनी होती है, एक क्वांटिटी को हम इस पर मान लेते हैं, उसका मेजरमेंट यहां करेंगे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में,
ये डायरेक्शन एक क्वांटिटी की है और ये डायरेक्शन दूसरी क्वांटिटी की है। जैसे हम जो एग्जांपल चला रहे हैं पोजीशन और टाइम का, तो हमने बनाया कि यहाँ से टाइम इस तरफ इंक्रीज होता है, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15 एंड दिस इज 20 सेकेंड। ये डिस्टेंस हमने बनाया, दिस डिस्टेंस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 5, 10, 15 एंड 20। दीज आर डिस्टेंसेज ऑन वन साइड। डिस्टेंसेज ऑन दी अदर साइड दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस साइड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस साइड। दूसरा साइड अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव होगा, दैट विल बी -5, -10, -15 एंड -20। ये हमने कैटेगराइजेशन कर दिया। ओके, अब देखिए ग्राफ। जिस समय टाइम 10 सेकेंड बीत गया है, 10 सेकेंड, तो हमारी कार 5 मीटर डिस्टेंस पर है, जो पार्टिकल है 5 मीटर डिस्टेंस पर है और टाइम बीत गया है 10 सेकेंड। तो इसका ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं, एक पॉइंट लिखेंगे, वो पॉइंट यहां पर बनाएंगे। क्यों यहां पर बनाएंगे, क्योंकि ये हाइट हमको क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट। ये हमने डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट्स लिखे हैं, तो इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम। अब हमें बताया गया कि हमारे कार का जब स्टार्ट हमने यहां से किया उस समय टाइम हुआ था 0 और उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो डिस्प्लेसमेंट भी था 0। यहां से स्टार्ट 0 0, तो हमने ये पॉइंट लिया क्योंकि इसका 0 भी इधर है और इसका टाइम का 0 भी इधर है। फिर हमें बताया गया जब टाइम बीत गया है 10 सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, जब टाइम 10 सेकेंड बीत गया है उस समय हमारा पार्टिकल 5 मीटर डिस्टेंस पर है, मीटर। तो इस पॉइंट को आपको दिखाना बड़ा चाहिए। 10 सेकेंड हमने इस एक्सिस पर लिया, तो 5 और 10 ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के सारे पॉइंट 10 सेकेंड पर है। यहां से ये कितना स्लाइड किया हुआ है, तो इस एक्सिस से ओरिजिन से जितना हम राइट में जाएंगे उतना टाइम बढ़ते जाएगा। ये वाला पॉइंट 10 सेकंड पर है, ये वाला पॉइंट, तो यहां से ये राइट में कितना है, 10 सेकंड, यहां से ये राइट में 10 सेकंड। तो इसका हर पॉइंट क्या दिखाता है, टाइम 10 सेकंड। ठीक है, तो हम बोलेंगे इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है t = 10 सेकंड, क्योंकि इसका हर पॉइंट t = 10 सेकंड दिखाता है। उसी तरह से उस पॉइंट का नाम, उस पॉइंट की लोकेशन बताओ जिसका डिस्प्लेसमेंट 5 हो। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट 5 पे आता है, तो ये 5 है। अगर हम ये लेंगे ये वाला पॉइंट जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसकी हाइट देखेंगे, इसकी हाइट भी 5 है, तो ये भी 5 है, ये वाला 5 है, तो ये भी 5 है, इसकी हाइट 5 है, तो ये भी 5 है। तो ये जो लाइन बनी, इस लाइन का हर पॉइंट कौन सा डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, 5। तो इस लाइन का नाम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट = 5। ओके, अब ये वाले पॉइंट को देखिए, ये वाला पॉइंट हमको कॉमन मिलता है, और कॉमन पॉइंट क्या बताता है, जिस समय टाइम 10 सेकंड है उस समय डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड। ओके, ये हमको पता लगता है इस कॉमन पॉइंट से। ये तो अगर हमको बोला गया कि 10 सेकंड में कोई चीज 5 डिस्प्लेसमेंट पर है, इसको ड्रॉ करिए, तो हम 5 वाली लाइन देखते हैं, 10 वाली लाइन देखते हैं, और ये जो कॉमन पॉइंट है सिर्फ इसको ड्रॉ करते हैं, बाकी को ड्रॉ नहीं करते। तो ये हमारा बन गया,
तो ये वाला पॉइंट क्या शो करता है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 सेकंड। उसके बाद हमें बताया गया कि जब टाइम 20 सेकंड हो गया या 15 सेकंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया, जब टाइम 20 सेकंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 20 हो गया। अब इसके हमको ग्राफ के पॉइंट बनाने हैं, कहा पॉइंट बनाने हैं 15 सेकंड, तो यहां से हम गए 5, 10, 15 और हमने अपने दिमाग में रखा ये वाली जो लाइन है इसका हर पॉइंट कितना डिस्प्ले कितना इधर गया हुआ है 15 सेकंड, दिस इज टाइम इज इक्वल टू 15 सेकंड। और ये रहा 10 किधर लेना है हाइट, तो हाइट डिस्प्लेसमेंट दिखाती है ये वाला कि इसका हर पॉइंट हमको डिस्प्लेसमेंट दिखाता है 10, तो ये जो कॉमन पॉइंट मिलेगा ये क्या दिखाएगा 15 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 10, ठीक है। इसके बाद हमने लिया 20 सेकंड पे 20, अब आप समझ गए यहां से 20 लेना है, ये लाइन पूरी क्या दिखाती है 20 सेकंड और ये वाली हाइट क्या दिखाती है 20, तो ये पॉइंट क्या दिखाता है व्हेन द टाइम इज 20 सेकंड द डिस्प्लेसमेंट इज 20 सेकंड। इस तरह से हम कुछ पॉइंट ढूंढते हैं, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, जो भी हमको मिलेंगे, और उसके बाद अगर वो कंटिन्यूअस मोशन है तो हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। जब इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं ये हमको ये एक डायग्राम मिलता है, ये वाला जो डायग्राम मिलता है इसको बोलते हैं ग्राफ। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ हमको रिलेशन देता है बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेस, इन दोनों का ग्राफ है, ओके। तो इस ग्राफ अब अगर हमको कोई ग्राफ दिया हुआ है फिर से देखिए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वन टू थ्री फोर फाइव एंड दिस इज 10, 20, 30, 40, ओके। ये ग्राफ है और हमको ये दिया गया है, बताइए कि 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितने डिस्प्लेसमेंट या कितने डिस्टेंस पर है, तो 4 सेकंड की लाइन कहाँ होती है, तो ये रहा 4 सेकंड। तो 4 सेकंड की लाइन किसको बोलते हैं, 4 सेकंड की लाइन इसको बोलते हैं। तो ये लाइन इसको यहां पर काटते हैं, तो ये वाला पॉइंट कितने सेकंड पर है 4 सेकंड, लेकिन हमको बताना क्या है कि 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हाइट से पता चलता है, इससे पता लगेगा हाइट से, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट इधर रखा डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी हमने हाइट देखी, ये हाइट हाइट कितनी है 10। तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का नाम है 4 10। व्हाट डज इट मीन, टाइम इज इक्वल टू 4, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10। ये बात समझ में आई, अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि व्हेन द टाइम ना व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30 देन व्हाट इज द टाइम, अब हमारा तरीका क्या होगा, गिवन है डिस्प्लेसमेंट 30, तो डिस्प्लेसमेंट 30 की लाइन किसको बोलते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट 30 की लाइन, इसका हर पॉइंट 30 हाइट पर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट 30 है। हमसे टाइम पूछा जा रहा है तो हमारा जो ग्राफ है उसमें डिस्प्लेसमेंट 30 वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ऊंचा है, ये पॉइंट नीचा है, ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 30। अब इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना है, तो हमने टाइम यहां पर देखा, ये टाइम आ गया, दिस इज 2.5, तो हमने बताया व्हेन द टाइम इज इक्वल टू 2.5 द डिस्प्लेसमेंट इज 30। अब दोनों प्रोसेस आपने देखी, अगर आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आप ग्राफ बना सकते हो, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपको ग्राफ दिया है तो आप दोनों क्वांटिटी में रिलेशन बता सकते हो।
और ग्राफ होता क्या है व्हेन द टू क्वांटिटीज आर चेंजिंग टुगेदर देन देयर रिलेशन विद ईच अदर रिलेशन विद ईच अदर इज गिवन बाय द ग्राफ ठीक है इस तो एक चीज तो हमको ये समझ में आई कि पोजीशन चेंज हो रही है उसी समय डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और उसी समय एक्स भी चेंज हो रहा है इसलिए ये तीनों नाम एक ही तरह की ग्राफ के हैं पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड एक्स की ग्राफ अभी जो हमको एक क्वेश्चन दिया गया लेडी स्टार्ट्स फ्रॉम होम तो जब कोई नया ग्राफ बनाना हो जब तक आप ज्यादा एक्सपर्टाइज डेवलप नहीं कर लेते तब तक के लिए मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ इधर ध्यान दीजिए सर जब तक ज्यादा एक्सपर्टाइज डेवलप नहीं होती तब तक आप शुरू में एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और इस टेबल में वो दो क्वांटिटी के कॉलम बनाएंगे जो चेंज हो रही है एक क्वांटिटी जो आप एक्स एक्सिस पे रखोगे टाइम इन मिनट आवर सेकेंड जो भी हमारा यूनिट और दूसरे में हम रखेंगे डिस्प्लेसमेंट या एक्स कोऑर्डिनेट जो भी हमारे क्वेश्चन में है यहाँ एक्स की ग्राफ है एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट ओके अब एक एक सेंटेंस पढ़ते जाइए तो हमारा पहला सेंटेंस कहता है ए वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM तो हम यहाँ टाइम लिखते हैं 9 AM और स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम तो अपने घर से वो कितनी दूर है घर से कितनी दूर है सी क्योंकि वहां से स्टार्ट किया ओके वॉक्स विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस एट 2.5 किलोमीटर अवे तो हमको डिस्टेंस चाहिए क्यों क्योंकि ग्राफ एक्सटी का बना रहे हैं स्पीड नहीं चाहिए तो 2.5 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है यहां से चली और ये 2.5 किलोमीटर दूर पहुंचा तो ये अगला पॉइंट मिला हमको नेक्स्ट पॉइंट इस नेक्स्ट पॉइंट का एक्स कितना है और टाइम कितना है ये दोनों हम यहाँ लिखना चाहते हैं तो इसका एक्स कितना दिया है 2.5 किलोमीटर टाइम बताइए कितना लगेगा टाइम के लिए हमने देखा वेलोसिटी क्या बता रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर और दूरी कितनी है 2.5 तो कितना टाइम लग जाएगा हाफ आवर अगर टाइम लग जाएगा यहाँ पर हमने लिखा 30 मिनट या हाफ आवर और यहाँ अगर 9 बजे इसने स्टार्ट किया तो यहाँ तक पहुंचेगी 9:30 तो ये हमको मिला दूसरा रीडिंग 9:30 उस समय एक्स की रीडिंग कितनी है देखिए एक्स की रीडिंग कितनी हो चुकी है 2.5 क्योंकि वो अपने ऑफिस पहुंचे ओके उसके बाद stays in the office up to 5 PM. 5 PM फिर से हमको एक टाइम दिया जा रहा है 5 बजे वो ऑफिस से स्टार्ट करती है तो हमने टाइम भी लिख लिया 5 PM. 5 PM पर उसकी पोजीशन कहाँ है उसके घर के रिस्पेक्ट में अभी तो ऑफिस में है वो 5 बजे भी तो उसका एक्स कितना है 2.5 किलोमीटर क्योंकि घर से अभी भी वो 2 किलोमीटर पर है तो 5 पीएम का टाइम का करेस्पॉन्डिंग एक्स कितना होगा 2.5 ये हो गया अब इसके बाद फिर देखिए वापस आती है और अब वो ऑटो में वापस आती है और उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर वापस आके अपने घर पहुंचती है तो यहां से जब वो वापस आएगी 25 किलोमीटर पर आवर यहां से यहां पहुंची जब यहां से यहां पहुंची तो फिर से एक्स कितना हो गया 0 क्योंकि उसके घर में से चली थी जो एक्स 0 था वापस घर आई तो फिर से एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 लेकिन टाइम बीत गया कितना टाइम बीत गया यहां से उसने 5 o'clock स्टार्ट किया था और यहां से 25 किलोमीटर की स्पीड है 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो टाइम कितना लगता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड This is equal to 1/10 hour and 1/10 hour को हमने अगर मिनट में बनाया, so this comes to 6 minutes. Okay, 1/10 hour is equal to 6 minutes. तो यहाँ कब पहुँची? 5 and 6 minutes. 5 PM and 6 minutes.
5:06 में अपने घर पहुंच गए। तो यहां पर फिर से हमने लिखा x सब जीरो हो जाएगा, जीरो उस समय टाइम कितना है 5, या डेसिमल में अगर आप लेंगे तो कितना लेंगे 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 आवर। तो मिनट भले मत बनाइए, 0.1 रख लीजिए अभी, ठीक है। डेसिमल सिस्टम में 5.1 आवर, 5.1 PM एंड द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो ये हमको चार पॉइंट मिले। तो पहला काम आपका होता है ग्राफ बनाते समय कि आप डिफरेंट पॉइंट्स को टेबल में लोकेट करें, किसका जोड़ीदार कौन रहेगा, किसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है। अब यहां पर हम ग्राफ बनाते हैं, टाइम टाइम की मिनिमम रीडिंग कितनी है, आंसर है 9 AM, मैक्सिमम रीडिंग कितनी है 5.1 PM। उसी के अनुसार हम अपना एक्स एक्सिस पे टाइम डिवाइड कर लेते हैं, हियर वी टेक एज 9 AM। उसके बाद यहां से लेना शुरू करते हैं, दिस इज 10, 11, 1, 2, 3, 4 and 5, 5 PM, और 5 के बाद भी थोड़ा सा टाइम बीता था इसलिए और ले लीजिए इसको 6 PM। ये हमने टाइम एक्सिस बनाया। अब वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स डायरेक्शन इनमें कंफ्यूज मत होइए, ये एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या मान लिया है टाइम, अब ये बन गया टाइम एक्सिस। जब एक कार स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसका हम मानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाने जाते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है कि इस एक्स कोऑर्डिनेट को आपको एक्स पर ही बनाना पड़ेगा, नो। ये हमारी पोजीशन है, पोजीशन को हमने यहां लिख दिया। पोजीशन का नाम क्या है, पोजीशन का नाम एक्स कोऑर्डिनेट है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया एक्स। तो एक्स इसके लिए रिजर्व है, ऐसा जरूरी है तो हमारी इच्छा है हम जिसको रखेंगे। ये एक्सिस हमने किसकी बनाई, टाइम की। ये एक्सिस किसकी बनाई, पोजीशन की। पोजीशन का नॉमेनक्लेचर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसलिए हमको यहां एक्स लिखना पड़ता है, नो प्रॉब्लम। तो तरीका अगर आपको समझ में आ गया देन इट इज ओके, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट इसका ज्यादा से ज्यादा कितना होता है 2.5, पूरे को चेक किया 2.5 के ऊपर नहीं है तो हमको 5 10 15 बनाने की जरूरत है। हम ज्यादा से ज्यादा 3 तक बनाएंगे, नहीं तो 2.5 बनाएंगे, उतना ही काफी है। तो ये हमने लिया 0, ये लिया 1, ये लिया 2 और ये लिया 3 किलोमीटर। ओके, ये किलोमीटर में और ये घड़ी का टाइम, ये दो हमने एक्सेस तैयार किया। तरीका समझ आ गया, एक्सेस तैयार हो गई। उसके बाद एक एक पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट 9 AM, डिस्प्लेसमेंट 0, 9 AM टाइम की लाइन, ये टाइम की लाइन। इस लाइन में 0 डिस्प्लेसमेंट कहां है, तो इस लाइन में 0 डिस्प्लेसमेंट यही है, तो ये हमको फर्स्ट पॉइंट मिला। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए, टाइम इज 9:30, ये 9 है ये 10 है, तो ये वाला टाइम कितना होगा बीच में 9:30। इस 9:30 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 2.5, तो इस 9:30 पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया 2.5, ये 9:30 की लाइन है। इस लाइन पे हमको हाइट कितनी चाहिए 2.5, ये 2.5 की हाइट है, तो ये हमको पॉइंट दिस। ये पॉइंट है जो दोनों शर्तें पूरी करता है। कौन सी दोनों शर्तें, टाइम इज इक्वल टू 9:30 एंड पोजीशन इज इक्वल टू 2.5, बस ये एक ही पॉइंट मिलेगा। ये दोनों शर्तें पूरी करता है इसलिए ये हमारे ग्राफ का पॉइंट है, ठीक। तीसरा हमने लिया 5 PM, 5 PM ये लाइन रही 5 PM,
5 PM पर उसका घर से कितना डिस्प्लेसमेंट है, अभी वो ऑफिस में ही है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5, तो ये 2.5 का डिस्प्लेसमेंट है और ये 5 की लाइन, तो ये वाला पॉइंट क्या डिस्प्लेस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हेन द टाइम इज 5 PM द डिस्प्लेसमेंट इज 2.5, ये हो गया। उसके बाद व्हेन द टाइम इज 5.1 द डिस्प्लेसमेंट इज 0, हियर इज 5.1 और उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 यानी हाइट कितनी लेनी है 0, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 0 हाइट इसकी कहां पर आएगी, तो आंसर यही आएगी 0 हाइट, तो ये 0 हाइट आ गई। अब ग्राफ कहां है, तो आंसर है जो पॉइंट हमने चुने हैं उन पॉइंट्स को आपस में मिलाइए वो ग्राफ बनेगा, तो इन पॉइंट्स को हमने मिलाया, दिस ये जो तीन लाइनें आपको दिख रही हैं, दिस इज द ग्राफ XT ग्राफ ऑफ दैट वुमन व्हिच हैज गॉन फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड कम बैक फ्रॉम ऑफिस टू होम, ठीक है। तो इसमें हमारे दिमाग को थोड़ा आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने की प्रैक्टिस चाहिए। हम पिक्चर क्या बनाते हैं, घर से ऑफिस गई और ऑफिस से घर वापस आए, ऐसे पिक्चर बनी, लेकिन ग्राफ को ऐसा ऐसा बनता है, तो याद रखिए ग्राफ का एक्चुअल मोशन की पिक्चर से रिलेशन नहीं है, ग्राफ सिर्फ उस क्वांटिटी को बताता है। तो जब मैं इसको देखता हूं मुझे ये नजर आता है कि किस टाइम में उसके घर से डिस्टेंस कितना है, तो 2 बजे उसके घर से डिस्टेंस कितना है, तो हमने 2 o'clock की लाइन, ये लाइन इस ग्राफ को यहां पर काटती है और ये वाला डिस्टेंस कितना है 2.5, एट 2 o'clock she was at a distance of 2.5 किलोमीटर फ्रॉम हर होम, तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखाता है किसी भी टाइम, इसलिए ग्राफ का एक्चुअल मोशन से आप तुलना नहीं कर सकते। आगे जाके ये चीज और भी क्लियर होगी। ओके, दिस इज ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ और तीन टू चित्र जो लिखा हुआ है उसे क्लियर है। ये क्या चीज दिखाता है भाई, एक्सिस डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस पर कौन है, ऊपर सू, पहले के घर का डिस्टेंस टी है, दूसरे के घर का डिस्टेंस क्यू, ओके दोनों निकलते हैं, ये दोनों के एक्स टी ग्राफ है। पहला क्वेश्चन, हु लिव्स क्लोजर टू स्कूल, ये अपने घर पहुंच गया, ये भी अपने घर पहुंच गया, तो हमने इस पॉइंट की हाइट ली थी, इस पॉइंट की हाइट देखी, हाइट हमको क्या दिखाता है, डिस्टेंस, इसकी हाइट कम है ए की या बी की, ए की, तो कौन सा बच्चा स्कूल के पास रहता है, ए की बी, ए, तो पहले का आंसर क्या होगा, ए लिव्स क्लोजर, ओके ये आपको ग्राफ से एक इंफॉर्मेशन मिली, कैसे देखा, हाइट से, क्योंकि हाइट क्या दिखाता है, डिस्टेंस, ए की हाइट कम है कम डिस्टेंस पर है, बी की हाइट ज्यादा है बी ज्यादा डिस्टेंस पे रहता है, ओके। उसके बाद सेकंड, हु स्टार्ट्स अर्लियर, स्टार्ट इज ए टाइम और टाइम को हम किस एक्सिस पर देखेंगे, टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस यहां से स्टार्ट होती है, ये यहां से किसका ग्राफ शुरू हो गया है, ए का, यहां से किसका ग्राफ शुरू हुआ, बी का, तो किसका ग्राफ पहले शुरू हुआ, ए का, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हु स्टार्ट्स अर्लियर, ए, ए स्टार्ट्स अर्लियर, ओके ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी। उसके बाद थर्ड, हु इज ऑन साइकिल एंड हु इज वॉकिंग, किसकी स्पीड ज्यादा होती है, साइकिल की स्पीड ज्यादा होती है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये इतनी देर से स्टार्ट किया और इतने टाइम में पहुंच गया, ये टाइम इसने यहाँ स्टार्ट किया और इतने टाइम में पहुंचा, इसको टाइम ज्यादा लगा इसको टाइम कम लगा, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, जो कम टाइम में इतना दूर चला गया तो उसकी स्पीड ज्यादा है, तो हु इज ऑन साइकिल, बी इज ऑन साइकिल, How many times one overtakes the other? ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बताता है,
ये वाला पॉइंट कि इस पॉइंट पर यानी इस डिस्टेंस पर और इस टाइम पर दोनों एक ही जगह पर थे, तो ये बी ए के बाद स्टार्ट हुआ, पर एक पॉइंट पर दोनों एक ही जगह पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक टाइम पर, ये एक टाइम पर, किसी भी एक टाइम पर ए पीछे है और बी आगे है, ए पीछे है और बी आगे है, यानी बी उसके आगे चला गया। तो ये पॉइंट हमको किसका मिलता है? ओवरटेक का पॉइंट। सो दिस इज पॉइंट ऑफ ओवरटेक। और ऐसा पॉइंट कितनी बार आया? एक बार। सो देयर इज वन ओवरटेक, वन। उस समय टाइम कितना है? तो ये हमने यहां पर लिख दिया टी वन और ये डिस्टेंस को लिख दिया एक्स वन। उस समय टाइम कितना हुआ है? टी वन और डिस्प्लेसमेंट कितना था? एक्स वन। उस समय इसने इसको ओवरटेक किया। इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस ग्राफ से मिलते हैं। कौन पहले स्टार्ट किया, कौन बाद में स्टार्ट किया, कौन स्लो चल रहा है, कौन फास्ट चल रहा है, किसका घर नजदीक है, किसका घर दूर है, कितने बजे कहां पर किसने ओवरटेक किया, वो सारे आंसर आपको इस ग्राफ को देख के मिलते हैं। और ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इसको इस तरह से निकाल दें, ठीक है? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए। एक ड्रंकर पीकर अपने घर से निकलता है और पांच कदम आगे चलता है, तीन कदम पीछे, फिर पांच कदम आगे, तीन कदम पीछे, जाते जाते लास्ट में 13 मीटर पे नाली है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? ये हमने निकाला। ओके, तो पहले 5 सेकंड में 5 आगे गया, फिर 3 सेकंड में 3 पीछे आया, टाइम कंज्यूम हो गया 8 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 2। फिर अगले 8 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 8 सेकंड में 2 मीटर, तो 8 सेकंड एंड 2 मीटर, 8 सेकंड 2 मीटर, 8 सेकंड 2 मीटर, अभी तक कितने मीटर हो गए? 6। फिर उसके बाद 5 सेकंड में 6 and 5 11, लेकिन फिर दो वक्त, फिर 3 मीटर वापस आएगा, तो अगले 8 सेकंड में फिर कितना आगे बढ़ा? 2। अब तक कितना आगे बढ़ चुका है? 8। ये टोटल है। तो 8 सेकंड खत्म होने के बाद में ये 8 8 8 8 चार बार हो गया, अभी तक वो कितना आगे बढ़ा है? 1। उसके बाद फिर वो आगे कितना बढ़ेगा? 5। और फिर 3 वापस आएगा, लेकिन हुआ क्या, यहां से जब वो 5 आगे बढ़ता है तो कितना दूर पहुंच गया? 8 and 5 13 13 पहुंचा। जब वो 5 चला, उसको 5 सेकंड लगा 13 पे पहुंचा, तो उसको वापस आने का मौका नहीं मिला। क्यों वापस आने का मौका नहीं मिला? क्योंकि ये कितना 13 मीटर पे नाली थी, नाली पे गिर गया, 3 स्टेप वापस नहीं आ पाया। ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। अगर हम ये सोचे कि हर 8 सेकंड में वो 2 मीटर ही आगे बढ़ता है, तो 13 मीटर के लिए हम क्या करेंगे? 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 and half को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे नहीं करना, आपको एक एक स्टेप करके करना है। 8 सेकंड में 2, 8 सेकंड में 2, फिर 8 सेकंड में 2, फिर 8 सेकंड में 2, और अब 5 5 हर बार हम ट्रायल के लिए ऐड करेंगे। जब वो इससे 5 आगे जाएगा तो 13 पे पहुंच जाएगा, लेकिन वहां से फिर 3 वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि 13 तो उसको फिर चल, इसलिए टोटल टाइम देखिए, दिस टाइम इज इक्वल टू 37 seconds. So, how long will it take to fall in the pit? Answer, 37 seconds. 37 seconds में वो pit में गिर जाए। तरीका समझ आया? Okay. ये तो mathematical तरीका हुआ। अब इसका graphical, graphical method देखिए। Graphical method में हम इसका position और time, इन दोनों का graph बनाते हैं। This is position and this is time. यहां से उस घर से स्टार्ट करता है और
पिट की पोजीशन, नाली की पोजीशन कितनी दूर है? 13. सो दिस विल राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ये 13. ये हाइट है उसकी नाली की, पिट की ये हाइट है. जैसे ही वो यहां पहुंचेगा नाली में गिर जाएगा. ओके, स्टार्ट करते हैं. इधर हम टाइम लेते हैं, तो टाइम हम लेते हैं यहां से स्टेप्स 5 3 5 3 ऐसे हमको लेने, तो इसको ले लेते हैं 5 यहां से 1 2 3 3 4 5. This is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40. ये हमने लिया टाइम. And this is position X. ये position 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13 meter. हाँ जी, अब इसका टेबल, टेबल आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, पर बनाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ज्यादा परफेक्ट बनेगा. देखिए अभी ट्रायल के लिए हम टेबल बनाते हैं और शुरू करते हैं. टी एक्स 20 0, एक्स इज इक्वल टू 0. 5 स्टेप आगे बढ़ा, x कितना हो गया 5. फिर टाइम को बढ़ते जाएगा, 3 सेकंड के बाद वो 3 स्टेप पीछे आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2. ये वाला स्टेप समझिए, 5 सेकंड में उसका पोजीशन कितना है यहां से 5 मीटर आगे, और 3 सेकंड बीत गए तो 3 मीटर पीछे आया, तो पुरानी जगह से कितना उसका डिस्प्लेसमेंट बच गया 2. इसलिए हमने कितना लिखा 2. फिर अगले 5 सेकंड में, सॉरी ये जो मैंने 3 लिखा है, दिस आई शुड राइट 5 + 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 8. घड़ी में तो 8 सेकंड हो गया पूरा, उसके बाद घड़ी में फिर 5 सेकंड और बीते तो टाइम कितना हो जाएगा 13, और ये 5 आगे चला गया. अगर ये 5 आगे चला गया तो कहां पहुंचा 7, अगला पॉइंट मिला. उसके बाद पीछे चलेगा 3 पीछे चलेगा, तो पोजीशन क्या आ जाएगी इसकी 4, लेकिन टाइम तो आगे चलता है तो टाइम कितना हो जाएगा 16. टाइम कभी भी वापस नहीं जाता, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, तो टाइम तो आगे बढ़ेगा. ओके, ये 3 कदम वापस आ चुका है. इसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है, 5 कदम आगे बढ़ता है तो कहां पहुंचता है 9, और टाइम कितना बीत गया 21. उसके बाद 3 कदम पीछे हटता है 6, लेकिन टाइम पीछे नहीं, टाइम तो आगे बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 24. फिर ये 5 कदम आगे बढ़ता है, दिस बिकम्स 11, और टाइम 6 to 11, टाइम कितना हो गया 29. फिर 3 कदम पीछे, दिस बिकम 8, और इसका 3 सेकंड बीत गया 32. उसके बाद फिर 5 सेकंड आगे 37, और इससे 5 आगे 30. ये हमारा डिस्टेंस आ गया. दिस इज हाउ वी मेक द पॉइंट. ओके, ये पॉइंट को अब हमने ग्राफ में ड्रॉ करना है. तरीका समझ आया टाइम और एक्स को चेंज करने का, जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वैसे ही अभी भी बनाया. तो ये इसको आप ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं. पहला पॉइंट क्या है 0 0, दिस इज 0 0. सेकंड पॉइंट 5 5, टी इज इक्वल टू 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 5. टाइम 5 इधर और पोजीशन 5 हाइट, ये वाला कॉमन पॉइंट है. सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1. तो ये पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 ये बन गया. उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखिए, ये हो गया सबका, जल्दी करिए फिर उधर देखना है. ये 5 5 बन गया. उसके बाद क्या बनाना है 8 2,
हरिहर हरिहर। हाँ जी ठीक है। और वो सभी ये है थर्टीन सेवन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं 16 4। 16 और यहाँ पर आएगा 4। इस पॉइंट उसके बाद 16 4 के बाद 21 9 21 एंड हियर इज 9। This is 21 9. Next is 24 6. 24 and 6. 6 is this. Next is 29 11. 29 and this will be 11. Yeah. के बाद 32 8। दिस इज 32 और यहां से हमने लिया 8। दिस इज 8। 32 8। उसके बाद 37 13 37 और 37 पर ये पहुंचा 31। ये लाइन पे पहुंच गया 1 2 3 4 5। ये देखिए सब कितने आते 1 2 3 4 5 पांचवें में आए। ओके सो दिस इज हाउ एक और प्रॉपर्टी ग्राफ की एक और प्रॉपर्टी समझिए। दैट इज व्हाट इज मीन बाय स्लोप ऑफ ए ग्राफ। स्लोप ऑफ ए ग्राफ फिजिक्स में स्लोप का मतलब क्या होता है। ओके पहले तो स्लोप शब्द को
आप लोग ठीक से ग्रास करते हैं या नहीं उसके लिए देखिए, ये दो फिसलन पट्टी है, एक ये और दूसरी ये, ए और बी। बताइए ए और बी में किसका स्लोप ज्यादा है? बी का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब आप सब स्लोप के कंसेप्ट को जानते हैं, ठीक है? कि स्लोप किसका ज्यादा होता है, विजुअली देख के आप बता सकते हैं स्लोप किसका ज्यादा है। अब मैथमेटिक्स में स्लोप कैसे निकालते हैं? किससे? टेंजेंट ऑफ थीटा। ओके, ये एंगल थीटा है, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, थीटा वन थीटा टू। तो इसकी जब हम टेंजेंट लेते हैं, सपोज दिस इज 5 एंड दिस इज 4, यहां पर जब हम ऐसा ही 5 ग्यारह लेते हैं, 5 एंड दिस बिकम 7, तो इसकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/5, और इसकी टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो इसकी टेंजेंट थीटा ज्यादा है, इसकी जैसे जैसे टेंजेंट बढ़ती जाएगी ये वाली हाइट बढ़ती जाएगी, तो देखिए ये हाइट छोटी है तो स्लोप कम है, ये हाइट बढ़ गई स्लोप बढ़ गया, ये हाइट बढ़ गई स्लोप और बढ़ गया, ये हाइट बढ़ गई स्लोप और बढ़ गया। लेकिन मैथमेटिक्स में इन सब का टेंजेंट चेंज होते जा रहा है, तो हमने एक चीज इक्वेट कर दी। क्या इक्वेट कर दी? स्लोप ऑफ ए लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट ऑफ द एंगल। स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट, और टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये स्लोप। अब फिजिक्स में स्लोप का क्या मीनिंग है? फिजिक्स में स्लोप का मीनिंग है जो कि मैथमेटिक्स में मीनिंग है, परपेंडिकुलर इज गिवन बाय डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन एंड बेस इज गिवन बाय डिस्टेंस इन द एक्स डायरेक्शन। सो दिस वी कैन राइट एज वाई अपॉन एक्स, या चेंज इन वाई चेंज अपॉन एक्स, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स। ये फिजिक्स का मीनिंग है, ये आपको याद रखना। अब ये जो चीज है इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, जो अभी हमने ग्राफ पढ़ा, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और इसमें टाइम दिया है 5, 10, 15, 20, और यहां पर पोजीशन है 10, 20, 30, 40, और ये एक ग्राफ है। This graph is A and this graph is B. इसका स्लोप कम है, B का स्लोप कम है, हम लोग जान रहे हैं, दिखता है। ओके, स्लोप का इसमें मतलब क्या है? तो स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। यहाँ पर y में कौन है? तो आंसर है y में है डिस्प्लेसमेंट, और x में कौन है? टाइम। तो फिजिक्स में अगर ये दो क्वांटिटी को हम लिख दें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या कोई क्वांटिटी बनती है? कौन सी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? दैट इज वेलोसिटी। इसलिए स्लोप इन एक्सटी ग्राफ, इन एक्सटी ग्राफ दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, displacement time graph, slope gives velocity. क्यों? क्योंकि slope होता है, slope is equal to tangent theta is equal to perpendicular upon base, perpendicular यहां किसे represent करते हैं? displacement, और base किसको represent करता है? time, और displacement upon time इसके बराबर होगा वेलोसिटी। सो स्लोप गिव्स वेलोसिटी, इन एक्सटी ग्राफ स्लोप गिव्स वेलोसिटी। अब बताइए ए और बी इसमें किसका स्लोप ज्यादा है? ए का स्लोप ज्यादा है, तो अगर ये दो बसेस हैं तो किस बस की वेलोसिटी ज्यादा है? ए की वेलोसिटी ज्यादा है।
ठीक है, तो सिंपल देख के, विजुअली देख के हम लोग बता सकते हैं एक्सपी ग्राफ में कि किसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, स्पीड किससे देखा जाएगा, स्लोप से देखा जाएगा, तो इसको नोट करिए, द स्लोप इन एक्सपी ग्राफ इज स्पीड। देखिए डिफरेंट एक्सपी ग्राफ एंड देयर मीनिंग। ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है। मैंने एक ग्राफ बनाया, दिस इज द ग्राफ, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जब ये टाइम इतना है तो इस पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, ये पोजीशन है। जब ये टाइम इतना हो गया तो इस पार्टिकल की पोजीशन अभी भी उतनी ही है। जब ये टाइम इतना बढ़ गया अभी भी उस पार्टिकल की पोजीशन उतनी है। इतना टाइम हो गया तब भी पार्टिकल की पोजीशन वही है। क्यों वही है? क्योंकि हाइट नहीं बढ़ रही है, ना हाइट कम हो रही है। तो ये पार्टिकल जहां है वहीं का वही है, और इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल एट रेस्ट। पार्टिकल एट रेस्ट, और ये क्या है, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ए लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या बताती है, पार्टिकल है रेस्ट। कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है। अगर बीटी ग्राफ होगा तो मीनिंग बदल जाएगा, एटी ग्राफ होगा मीनिंग बदल जाएगा, हर ग्राफ में मीनिंग बदल जाएगा। इसीलिए किसी भी ग्राफ को देख के सबसे पहले दोनों एक्सिस को देखिए, ये ग्राफ है किसके बीच। तो ये क्या बताता है, पार्टिकल एट रेस्ट। ये भी क्या बताता है, पार्टिकल एट रेस्ट। ओके, क्या बता सकते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी? आंसर इज इन द साइन। ये जीरो के ऊपर पॉजिटिव साइन है और जीरो के नीचे नेगेटिव साइन है। ये पोजीशन है 4 मीटर, ये पोजीशन है 6 मीटर। व्हाट डज इट मीन, +4 and -6? एक पार्टिकल मेरे राइट साइड में ऐसे राइट साइड में रखा है 4 मीटर और वहीं रखा है 5 सेकंड तक, ये उसका ग्राफ है। ये किसका है जो मेरे लेफ्ट हैंड में रखा है, कितनी दूर, 6 मीटर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, -6, और 5 सेकंड तक रखा ही हुआ वहीं पे, ये उसका ग्राफ। अंतर समझ में आया, प्लस और माइनस। या एक बॉडी ऊपर है 4 मीटर पे और एक नीचे है 6 मीटर पे, ये उसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट थे दोनों तरफ। ओके, ये एक हो गया। अब उसके बाद अब दूसरा लेते हैं, देखिए दिस, फिर से वही एक्सटी ग्राफ है और इस एक्सटी ग्राफ में स्लोप है। स्लोप क्या दिखाता है, एक्सटी ग्राफ में स्लोप का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी। मतलब ये बॉडी एड्रेस्ट है कि इन मोशन है, मोशन क्योंकि वेलोसिटी है इसके पास। तो दिस बॉडी इज इन मोशन, तो पहली चीज तो ये है, बॉडी इज इन मोशन। किस तरह का मोशन है उसको जरा ध्यान से देखिए, इस टाइम और इस टाइम के बीच में वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी इज गिवन बाय द स्लोप, स्लोप इज गिवन बाय द टेंजेंट, टेंजेंट इज गिवन बाय द परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो ये दोनों टाइम में हमने बनाया, ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर, ये है 1, ये भी है 1, तो टेंजेंट कितनी आई, 1/1, ये इसका स्लोप है। उसके बाद हमने उतना ही टाइम यहां पर लिया, कहीं पर भी लिया, ये फिर से देखा, ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट को हमने ऐसे मिलाया, फिर से इनको नापा, इट इज अगेन 1/1। तो जो वेलोसिटी यहां थी वही वेलोसिटी यहां, दूसरे शब्दों में जो स्लोप यहां है वही स्लोप यहां है।
तो ये अगर एक जैसा स्लोप है, एक जैसी वेलोसिटी है, तो ऐसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किससे एग्जिबिट होती है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विथ ए स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ ए स्लोप क्या दिखाती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ आया? क्यों? हर जगह स्लोप बराबर है। अब इसमें एक दो छोटी सी चीजें और समझ लीजिए। इसकी मैं वैरायटी बनाता हूं, ये ए बी सी डी, ये चार ग्राफ है, इन चारों के मीनिंग बताइए। ग्राफ ए, ये सब एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ का जब टाइम जीरो है तो एक्स कितना है? जीरो। टाइम जीरो एक्स जीरो मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है? ओरिजिन के पास। अगर मैं ओरिजिन हूं तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है मेरे पास। और यहां थोड़ी देर बाद देखिए, थोड़ी देर बाद एक्स इतना हो जाता है मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है, पोजीशन दूर हो जाती है। किस तरह? पॉजिटिव साइड पे। ऊपर क्या है? पॉजिटिव। तो थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के 5 मीटर पे पहुंच गया। दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मोशन में क्यों है? स्लोप है, लेकिन किधर जा रहा है? पॉजिटिव राइट साइड। तो ये ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है, मूविंग अवे टुवर्ड्स राइट। अब इसको बताइए, जब टाइम जीरो है तो इसकी पोजीशन कैसी है? क्या ये ओरिजिन पर है? नहीं है। पहले कहां पर है ये? टाइम इज जीरो, इट इज एट फार अवे। ये किस तरफ है? उतनी दूर है, और वहां से मेरी तरफ चल के आ रहा है। पोजीशन क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। अब यहां आके पोजीशन क्या हो गई? जीरो। देखिए शुरू में पोजीशन कैसी है? व्हेन टाइम इज जीरो इतनी दूर था ये, और थोड़ी देर बाद ये मेरे पास आ गया यहां पे। अब इसकी हाइट कुछ भी नहीं है। तो ये वाली लाइन आपको क्या बताती है? ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोजर। किधर से आ रहा है ये ऑब्जेक्ट? राइट साइड से आ रहा है। सो दिस इज कमिंग क्लोजर। और किधर से आ रहा है? कमिंग क्लोजर फ्रॉम राइट, फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब इनको देख के सी और डी का मीनिंग बताइए। व्हाट इज सी? देखो फिर से एक्स टी ग्राफ है, सी लाइन में स्लोप है। स्लोप को देख के आप क्या बोलोगे? मोशन। स्लोप को देख के मोशन। स्ट्रेट लाइन को देख के क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इट इज इन मोशन इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्टार्टिंग टाइम पर कहां पर है? ओरिजिन पे है कि दूर है? ओरिजिन पे। तो स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड आफ्टर सम टाइम इट मूव्स अवे। दिखा? अच्छा, ये जो मूव्स अवे है ये किस तरफ है? लेफ्ट से राइट? लेफ्ट, क्योंकि ये कौन सा साइड है? नेगेटिव, नीचे की साइड। तो अब कितनी चीजें बन गई इससे आपको क्या क्या पता लगा? इन मोशन। दूसरी चीज क्या पता लगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरी चीज क्या पता लगी? स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। चौथी चीज क्या पता लगी? मूव टूवर्ड्स नेगेटिव साइड, दैट इज लेफ्ट। भले इसको लेफ्ट बोलो या डाउन बोलो, नेगेटिव साइड। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिली। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डी के बारे में बताइए। पहला पॉइंट क्या आएगा? इन मोशन। क्यों? स्लोप है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? यूनिफॉर्म। क्यों? स्ट्रेट लाइन है। फिर से तीसरा पॉइंट स्टार्ट। स्टार्ट कहां से करता है? दूर से कि ओरिजिन से? ओरिजिन। नो, व्हेन द टाइम इज जीरो, एक्स की वैल्यू देखिए
माइनस फाइव है, तो व्हेन टाइम इज जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, यानी स्टार्ट कहां से करता है, माइनस फाइव से, एंड व्हेन दिस टाइम बिकम सेवन सेकेंड तो इसकी हाइट कितनी है, जीरो। सात सेकेंड में ये कहां पहुंच गया मेरे पास, तो ये कमिंग क्लोजर है कि गोइंग अवे, कमिंग क्लोजर, तो ये आ जाएगा कमिंग क्लोजर, स्टार्टिंग फ्रॉम अवे कमिंग क्लोजर। सारी चीजें समझ में आए, इस तरह से एक ग्राफ से आपको एक दो तीन चार चार इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, ओके। अगर इस ग्राफ में एक छोटा सा चेंज कर दे, इस तरह का चेंज, ये लास्ट देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया, ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसका स्लोप कितना है, जीरो। अगर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो, नो वेलोसिटी। उसके बाद ये थोड़ी सी वेलोसिटी आ गई, स्लोप बढ़ गया, उसके बाद और इसने डिस्टेंस तय किया, ये स्लोप ज्यादा है, वेलोसिटी और बढ़ गई, ये वाला स्लोप और ज्यादा है, वेलोसिटी और बढ़ गई, ये वाला स्लोप और ज्यादा है, वेलोसिटी और बढ़ गई, ये वाला स्लोप और ज्यादा। तो देखिए ये वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रही है क्योंकि स्लोप लगातार बढ़ते जा रहा है, दिखता है, इसको हम नाप भी सकते हैं, यहां से यहां तक नापिए जितना टाइम दीजिए, ये दिस इज वन, इतना ही टाइम यहां दीजिए, वन ये वन हमने ऐसा किया लाइक दिस, यहां ट्रायंगल बनाया, दिस इज वन बट दिस इज सिक्स और फाइव एनीथिंग, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई, dy/dt दैट इज फाइव, यहां वेलोसिटी कितनी है, 1/1, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी होता है, और स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट से, तो यहां की वेलोसिटी कितनी है, 1, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 5, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये वाला जो एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ जिसमें ऐसा कर्व बने, वो कौन से मोशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, तो अब स्ट्रेट लाइन से हम लोग कर्व पे आ गए, इस तरह का कर्व क्या शो करता है, पहले स्लोप ज्यादा था, कम था, फिर और ज्यादा, फिर टाइम इधर बढ़ता है, हम भी इधर बढ़ते हैं, जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं देखते स्लोप बढ़ते जाता है, सो दिस शोज एक्सीलरेटेड मोशन। अच्छा, अब इसी ग्राफ को हम उल्टा कर देते हैं एंड वी मेक ए ग्राफ विद द सेम ये, इस ग्राफ को देखिए, ये पहले का स्लोप है, ये उसके बाद का स्लोप है, ये उसके बाद का स्लोप है, व्हाट इज हैपनिंग टू स्लोप, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, अगर स्लोप कम हो रहा है तो स्लोप का मतलब क्या होता है, एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी भी कम हो रही है, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेड मोशन। सो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स रिटार्डेड मोशन, ओके, ये स्लोप यहां था देखिए दोनों में डिफरेंस आ गया, ये रिटार्डेड मोशन, ओके। अब इसमें थोड़ी सी और वैरायटी, ये वाला ग्राफ क्या है, दिस जी, इधर से टाइम इधर बढ़ता है, स्लोप देखिए, शुरू के टाइम में स्लोप कैसा है, बाद में स्लोप कैसा है,
क्या लगता है? पहले श्लोक और बाद का श्लोक, कौन सा श्लोक ज्यादा है, पहले वाला कि बाद वाला? बाद वाला। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है? ये वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी जब बढ़ती है तो एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है? एक्सेलरेटेड। सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ मोशन? एक्सेलरेटेड। ठीक है, ये भी एक्सेलरेटेड है, ये भी एक्सेलरेटेड। ओके, ये वाला बताइए एक्सेलरेटेड, यही चीज है यार, सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया कि ये कहां बना है, निगेटिव पे बना है। सो दिस इज अगेन एक्सेलरेटेड। ओके, अब ये ग्राफ बताइए, पहले स्लोप बाद में स्लोप कैसा है? रिटार्डेड। पहले स्लोप ज्यादा है और ये बाद का स्लोप कम हो गया। स्लोप मीन्स वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी ज्यादा है, बाद में वेलोसिटी कम हो गया, तो ये कैसा हो गया? रिटार्डेड। ये भी रिटार्डेड, पहले स्लोप ज्यादा बाद में। तो इन सब में ये आपने वैसे तो याद कर लिया, पर इन सब को हमको रियल सिचुएशन के साथ में जोड़ना आना चाहिए। रियल सिचुएशन के साथ कैसे जोड़ते हैं? रियल सिचुएशन के साथ, एक हमारा दोस्त मोटरसाइकिल पे आ रहा है, उसने मेरे को देखा, ब्रेक लगाई और मेरे पास आके रुक गया, ब्रेक लगाई और मेरे पास आकर रुक गया, ये कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड कि रिटार्डेड? ठीक है, पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, शुरू कहां से कर रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस से, और खत्म कहां पे हो रहा है, ओरिजिन। तो इसका ग्राफ बनाइए, इस तरह की सिचुएशन आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। फिर से देखिए, इस सिचुएशन को मैं बनाता हूं कि एक मोटरसाइकिल में मेरा दोस्त आता है और मुझे देखकर ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाकर रुक जाता है, भले राइट साइड से आ रहा है या इधर से आ रहा है, उसकी शुरू की पोजीशन कहां है, दूर की पास, दूर, ये शुरू की पोजीशन। लास्ट की पोजीशन कैसी है, पास में, थोड़ा टाइम बीत गया, मेरे पास में आ गया, हाइट कैसी कर दी हमने, कम, क्योंकि ये क्या दिखाता है, डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम, थोड़ा टाइम बीता, हाइट क्या होगी, जीरो। ये दो पॉइंट हमने बना लिए। अब पहले स्पीड ज्यादा थी कि बाद में, पहले ज्यादा बाद में कम, तो पहले स्लोप ज्यादा रखना है, बाद में स्लोप कम रखना है, कैसा ग्राफ बनेगा हम सोच लेते हैं, पहले स्लोप ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और यहां आके स्लोप जीरो, बन गया ग्राफ। ये आ गया, उसके बाद वो वापस